Good morning class, my name is Nirmal Sindris and let's continue our topic stats and exercise 18A, question number 29. And here's the question, find the mean. This may be aapko mean find karna hai. And you know it formula of mean is 1 is sigma fi xi upon sigma fi. There are three formula. Second is a plus sigma fi di upon sigma fi. Okay, अगर step derivation लिख कर आया तब वो apply करेगा, वैसे otherwise दोनों में से ही वो ये करेगा. ठीक है, अब check करते हैं कौन सा apply हो जाएगा, इससे easy हो. Now here the marks, but here the condition is the less than. तो previous question में आपने सीखा था कि जब class interval दिए होते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, क्योंकि आगे जो write होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है 7, 5, 8. क्लास इंटरवल के साथ में जो भी चीज दी होगी, नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पर्सन, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी. बट यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन. ओके, तो वन एग्जांपल इज सपोज मैंने पूछा कि लेस देन 100 मार्क्स किसके आए क्लास में, तो ऑल ऑफ यू रेज हैंड करोगे. यस, इट मीन लेस देन में सब आ गए. ओके, मोर देन 0 बोला है तब भी आप सब करेंगे. इट मीन्स लेस देन में, बट आए तो ऑल स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आए. इट मीन्स जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं ऑल में, तो ये लेस देन और मोर देन लिखा होगा, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी नहीं होगी. ये फ्रीक्वेंसी कब होती है, जब क्लास इंटरवल लिखा हो. ओके, तो यहाँ पर लेस देन मोर देन के साथ में जो भी नंबर ऑफ थिंग्स होती है, ये एक्चुअल में आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है. सी एम. ओके, तो फर्स्ट हमारा वर्क है कि हमें इसको क्लास इंटरवल में चेंज करना, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना, देन आफ्टर हम मीन फाइंड करते हैं. अब क्लास इंटरवल में चेंज कर रहे हैं, सी 5, 10, 15, 20, 25 कितने गए हैं, 5 का. इट मींस लेस देन 5, लेस देन 5 इट मींस ये हमारा आ रहा है आपका क्लास इंटरवल. लेस देन 5 मींस जिसमें 5 का गैप है, सबसे बेस्ट एक्सक्लूसिव रहता है 0 टू 5. लेस देन 10 मींस 5 तक यहां आ गया, 5 टू 10, देखिए 10 से लेस हुआ, यहां पे है 5 6 7 8 9 10 कॉमन नहीं हुआ. लेस देन 15 मींस लीस्ट प्रोसेस इज देयर, 10 टू 15, 20, 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35, and 35 to 40. Last one ever will be less than 40. आपको ऐसे ही derivatives करना है board exam में, ठीक है? Less than 40. तो 40 से less है ना? It means class interval बन गया. जैसे ही class interval आएंगे तो उसके बाद जो I की value, and this is known as frequency. Okay? तो less than 5, it means 5 से less उनके marks आएंगे. 4, 3, 2, 1. कितने students हैं? 3. अब यहाँ पर देखिए कितने class interval हैं? रिकॉर्डर्स हैं 0 1 2 3 4 5 कौन नहीं होगा, ये तो लेस देन 5 है. दिस मींस 0 टू 5 के कितने मार्क्स आएंगे, 3 स्टूडेंट ही होंगे. यस और सही मिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट रूल. लेस देन 10, तो लेस देन 10 में ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनके मार्क्स 5 4 3 2 1 आया होगा. यस और तो 10 स्टूडेंट वो भी हैं, 10 स्टूडेंट में 3 स्टूडेंट भी हैं जिनके मार्क्स से हैं. ओके, यानी कि इस 3 को इस 10 में से माइनस कर देंगे. कब, जब आपका इंटरवल 5 से 10 हो जाएगी, 0 टू 5 तो नहीं आने के स्टूडेंट होंगे, 5 से 10 इसके मार्क्स आए तो वो स्टूडेंट कितने होंगे, बट यहाँ अगर लेस देन 10, तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 7. एक स्टेप सीखने के आपने माइनस करना है, तो सबको माइनस कर दिया, 25 में से 10 माइनस किया, 5, 8, 3, 5, and 80 में से 78, and this is 2.
ये आपने राइट किया है रॉन्ग किया है, सबसे बेस्ट है कि इनका सम करिए। ये सम जो लेस देन से लास्ट वैल्यू होती है वो ही आनी चाहिए। हम यहाँ पर लिख दे रहे इट मीन सिग्मा एफ आई। ओके सी
एंड क्या लिख दिया हमने 22.5 एंड दिस इज 22.5 सिग्मा एफ डी इज -315 अपॉन एफ आई इज 80 नाउ कैलकुलेशन 22.5 -315 अपॉन 80 8 से कैंसिल किया 8 फोर था 32 चला गया 8 थ्री 24 ओके 24 देन 7 75 8 9 जा 72 and 3 30.8 8 3 जा 24 6 0 60 कितना है चेक करें अभी 8 सो नाउ 8 3 जा then yes 8 7 56 and 8 5 40 so 10 है ये 1 point jump कर दे रहे हैं 22.5 means 3.9375 okay minus कर दिया हमने 22.5000 point के नीचे point ये बात ध्यान रखिएगा minus करने बहुत बार होता है 10 5 5 9 7 2 9 3 6 and 14 9 5 and here 21 21 minus 3 is 18 okay so that's why this is answer 18.5625 but question is write correct up to 2 decimal तो हम 3rd decimal में देखेंगे number क्या है 2 है अगर 5 को और 5 से मोर हो इसको हटा के नेक्स्ट नंबर में इंक्रीज कर देते हैं इसको रिमूव किया ये वैल्यू आ गई 18.56 दिस इज द करेक्ट आंसर नोट डाउन हैव अ लुक ओके क्लास नाउ 18 ए एक्सरसाइज के मीन कांसेप्ट की हमने सब चीज लर्न कर लिया है लेस देन के भी ओके तो नाउ योर होमवर्क इज एग्जांपल 6 ओके एंड दिस एक्सरसाइज एंड 18 ए रेस्ट क्वेश्चन ऑल Okay, that's all for today. Thank you and have a nice day.